मैं कोजी मेरा दिल पर सोना, मैं कोजी मेरा दिल पर सोना, मैं क्यों कर इस तू भावा हूँ, वेले साडे वलदा नाही, पहला कवसीले पावा हूँ, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, मैं क्यों कर यार मनावा हूँ, इशारे करने उन्हें दे, ए दुख हमेशा रासी बाहू, ए दुख हमेशा रासी बाहू, रोंदी ना मर जावा हूँ, अल्लाह, रोंदी ना मर जावा हूँ, ना मधु वंसल्ली वंसल्ली मलार को ले करी, हम आबाद, फाउज़ बिल्लाह में शीतवानी राजीम, बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला अलिका व साबिक सैयदिया हबीब अल्लाह शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन दीन अस्तु हुसैन दीने पना अस्तु हुसैन सरदार नदार दस दर दस्ते यजीद हक्का की विनाए हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन सुभान अल्लाह अल्लाह हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन कितना बुलंद मुकाम है ज़हरा बतूल का कितना बुलंद मुकाम है ज़हरा बतूल का ये जिक्र सुबह और शाम है ज़हरा बतूल का जब भी जुबान पे आए तो झुक जाती हैं गर्दनें जब भी जुबान पे आए तो झुक जाती हैं गर्दनें ऐसा अजीम नाम है ज़हरा बतूल का अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अली का ज़ेबे ज़ैन जिंदा है माशाल्लाह अली का ज़ेबे ज़ैन जिंदा है फातिमा का चैन जिंदा है न पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा अल्लाह जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा सखी इब्ने सखी वली इब्ने वली अलाज साहिबजादा पीर सुल्तान फैजुल हसन सरवी कादी साहिब और आज़ीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दिल को संभाल कर आंखों को पीर मुर्शिद के चेहरे पर लगाकर बैठो खाली झोलियां भरने का वक्त है ताकि तुम्हारे सीनों में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इश्क रसूल पैदा हो और ताकि तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नौकर बन सको मरकज हुसैन में उस इमाम हुसैन पे आने वाली हुसैनियों हजूर सुल्तानुल आरिफीन ने 400 साल पहले फरमा दिया था अस्ताना मेरा होगा मैं खाना हुसैन का होगा अल्लाह अल्लाह हाजरीन कौन हुसैन अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ कटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ कटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ हाजरीन जिसके सामने जवान बेटे अली अकबर के सीने में बर्छी लगी होगी जिसके सामने जवान बेटे कासिम को शहीद किया गया हो जिसके सामने जवान भाई अब्बास के बाजू कलम किए हो जिसके सामने जवान बेटे अली अकबर के दिल में तीर लगा हो और जिसने 72 लाशों को उठाया हो और जिसने 33 जख्म नेजों के हो और जिसने 34 गांव तलवारों के हो इन सब के बावजूद सजदे में सर रख के कहे सुभान रब्बी अलाला सुभान रब्बी अलाला और कहे ए अल्लाह और कहे ए अल्लाह मैं तेरी रजा में राजी हूँ और नेजे की नोक पे चढ़ के कुरान पढ़े हाजरीन उसे हुसैन कहते हैं अल्लाह अल्लाह हाजरीन उसे हुसैन कहते हैं न पूछ कि कैसे कोई शाये मशरिकैन बना न पूछ कि कैसे कोई शाये मशरिकैन बना बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना अली का खून लाबे रसूल शेरे बतूल मिले हैं जब यहाँ नासिर तो फिर हुसैन बना अल्लाह सुभान मिले हैं जब यहाँ नासिर तो फिर हुसैन बना बना हाजरीन सखी घराने की सखावत के क्या कहने
एक दफा एक मजदूर सूखी रोटी पानी में डुबो के खा रहे थे कि एक फकीर आया और सदा लगाता है, है कोई सगी, है कोई सगी जो मुझे खाना खिलाएगा। तब बुजुर्ग बोले, सामने वाले घर में हुसैन रहते हैं, वो सखी हैं। बस फकीर गया और पेट भर के खा लेने के बाद बोलता है, थोड़ा और खाना मिल सकेगा? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, किसके लिए? तो फकीर बोला, सामने बैठा बुजुर्ग सूखी रोटी खा रहा है। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराए और फरमाया, ये घर उन्हीं का है, उनका नाम हजरत अली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से दीनी और दुनियावी तालीमात से आरास्ता ये मरकज हुसैन हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिलसिला है के हुजूर सुल्तान बाहू के आस्ताने पर पीर सुल्तान फैजुल हसन का ये लगाया हुआ पौधा ऐसे ही कयामत तक फलता फूलता रहे। आमीन आमीन। हाजरीन याद रहे, यही वो पीर खाना है जहाँ मलंगों की बजाय ऐसे उलमा तैयार किए जाते हैं जो तीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी आलू पर भी अबूर रखते हैं। हाजरीन यही वो आस्ताना है जहाँ ढोल धमालों के बजाय काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर सदाएं बुलंद होती हैं। हाजरीन एक मरतबा हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बचपन में खेल रहे थे कि खेलते खेलते उनका आपस में झगड़ा हो गया। तो हजरत इमाम हुसैन तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरते जज्बात में कहा कि मुझसे झगड़ा करने से पहले सोच लेना कि मैं खलीफा वक्त का बेटा हूँ। तो हजरत इमाम हुसैन ने जब ये सुना तो शान बेनियाजी से फरमाने लगे, तुम्हारा बाप उमर तो हमारा गुलाम है। जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने यह सुना तो रोते रोते बारगाह फारूकी पहुंच गए। तो जब हजरत उमर ने रोने का सबब पूछा तो कहने लगे, आज इमाम हुसैन ने मुझे ये कहा है कि तुम्हारा बाप उमर हमारा गुलाम है। तो हजरत उमर ने फरमाया, बेटा कागज और पेंसिल ले जाओ और जाकर इमाम हुसैन से यही बात लिखवा कर लाओ, उमर की नजात के लिए यही काफी है। मेहमान बन के आया तो जन्नत खरीद ली, मेहमान बन के आया तो जन्नत खरीद ली, और क्या जानता था मिजाज हुसैन को, और क्या जानता था मिजाज हुसैन को। हाजरीन अगर क़यामत का दिन हमारा कोई अमल हमारे काम ना आया तो इतना काफी है कि पीर सुल्तान फैजुल हसन ने हमें मरकज हुसैन में शामिल किया था। लोहा अग्न लग के अग होवे, लोहा अग्न लग के अग होवे, फिर क्यों ना वली विच रब होवे, फिर क्यों ना वली विच रब होवे। अमाली ना इल्ला बिलाह।